अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का जर्नल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जर्नल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने इसके चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 5 जिसका टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आज हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 को पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मशगूल हो सके। आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्टूडेंट्स मैं आपको डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको इसकी डेफिनेशन की समझ भी आ जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा। अ क्वाड्रेटिक, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन is an equation that can be written in the form of ax square plus bx प्लस सी इक्वल जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आपने देखा ऐसी इक्वेशन जिसको आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो की फॉर्म में लिख सके, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा? 2 होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये स्टूडेंट्स इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ a quadratic equation, quadratic equation को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीकाकार हैं। एक है इसके अंदर, फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, सेकेंड है इसके अंदर कंप्लीटिंग स्केल, थर्ड है इसमें बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 3 स्टूडेंट्स इसके मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केल, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड नेम, एक दूसरा नाम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी है। दूसरा नाम क्या है जी? सेकंड डिग्री इक्वेशन। मैंने आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी है।
और मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है और तीसरा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.5.1 के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आपने फैक्टराइजेशन की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इंतहाई आसान सवाल है और आप पहले भी आप पढ़ चुके हैं और इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको पहले भी आते हैं, बिकॉज हम लास्ट चैप्टर्स में इनको पढ़ चुके हैं, इसलिए फैक्टराइजेशन अब आपके लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स के माइनस 4x माइनस 12 इक्वल 0। फैक्टराइज करने से पहले आपको इस बात को अश्योर करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होगी? सबसे पहले एक्स के आएगा, फिर सिंगल x होगा, फिर विदाउट x होगा, तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने देखना है क्या इनकी तरतीब ठीक है, उसके बाद आपने देखना है क्या एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपके लिए देखना ज़रूरी है। अगर आप इनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके लिए क्वेश्चन को परफॉर्म करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर सबसे पहले है और वो प्लस भी है, उसके बाद एक्स है और फिर माइनस 12 है। इस तरह इनकी अरेंजमेंट भी ठीक है और एक्स स्क्वायर भी स्टार्ट के अंदर है। तो आइए इसको फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा माइनस। यू नो दैट इस 4 को आपने 2 स्टेप्स में ब्रेक करना है, वो आपको नहीं पता, उसकी खाली जगह छोड़ दें, बाद में एक्स आ जाएगा। माइनस 12 इक्वल 0, इस माइनस को आप सेंटर में लिखेंगे। दोबारा देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 2 स्टेप्स में ब्रेक करना है, उसकी खाली जगह छोड़ दी बिकॉज आपको नहीं पता, माइनस लास्ट पे एक्स आ जाएगा माइनस 12। और मैंने बताया था जो साइन इधर होगा वो इनके सेंटर में आएगा। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 12, तो 12 आंसर आएगा। अब 12 के फैक्टर देखिएगा, 1 इंटू 12, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिन्हें माइनस करें 4 आंसर आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें माइनस करने से 4 आता है। और आपको याद है मैंने बताया था बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, छोटी वैल्यू बाद में लिखेंगे। एक्स के स्टार्ट से माइनस मल्टीप्लाई होगा, लास्ट से एक्स मल्टीप्लाई होगा, इस तरह ये माइनस 6x बन देगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x माइनस 12 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर में से और एक्स में से क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा एक्स माइनस 6। एक्स स्क्वायर में से और एक्स में से क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, बाकी क्या रहेगा एक्स माइनस 6। उसके बाद आप देख रहे हैं प्लस 4 है, ये 4 है, ये 12 है, इन दोनों में से स्टूडेंट्स 4 ही कॉमन आएगा और बाकी आपको याद है मैंने बताया था इसी को आप रिपीट कर देंगे, यानी एक्स माइनस एक्स 2 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फैक्टर 2 आएगा तो कॉमन भी 2 आएगा, तो 6 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं x माइनस 6 कॉमन है, इसको आप लिख लें, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0। बोथ वैल्यूज को आप इक्वल 0 कर देंगे, x माइनस 6 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0। ये माइनस 6 है इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस 2 है इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स के माइनस 6x प्लस 5 इक्वल 0, इसको आप फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स के, उसके बाद माइनस, इस 6 के दो पार्ट्स में डिवाइड करना, आपने दो पार्ट्स करने, नहीं आपको पता कौन से इसके दो फैक्टर हैं, खाली जगह छोड़ दी, 7x आ गया, प्लस 5 इक्वल 0।
जो ये साइन होगा, जो भी ये साइन होगा वो सेंटर में आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये साइन प्लस है तो सेंटर में प्लस आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 के फैक्टर भी 1 मल्टीप्लाई 5 बनेंगे। फैक्टर्स को आपने क्या करना है, फैक्टर्स को आपने प्लस करना है, 6 आना चाहिए। तो देखिए 5 में 1 ऐड करने से 6 आता है। बड़ी वैल्यू आप पहले लिखेंगे, छोटी वैल्यू बाद में लिखेंगे। एक्स के स्टार्ट से माइनस लास्ट से एक्स मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5x माइनस इंटू प्लस माइनस। 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1x प्लस 5 इक्वल 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस 5। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, माइनस 1 और प्लस 5 में से क्या कॉमन आएगा, माइनस 1। तो बाकी आपके पास क्या रह गया, x माइनस 5 इक्वल 0। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x माइनस 5, और बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, x माइनस 1। दोनों को आप क्या करेंगे, इक्वल जीरो पुट करेंगे, दोनों को इक्वल जीरो पुट करेंगे, 5x माइनस 5 इक्वल 0, इस तरह x माइनस 1 इक्वल 0। आप देख रहे हैं माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा, देख रहे हैं माइनस 1 है यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस 1। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 5 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं x स्क्वायर इज इक्वल 8 माइनस 7x। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनकी अरेंजमेंट होना जरूरी है। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे 1x स्क्वायर है और राइट साइड पे 8 माइनस 7x है। आप इनको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। x के माइनस 7x था, जो ही लेफ्ट साइड पे आएगा प्लस 7x, प्लस 8 है लेफ्ट साइड पे आके माइनस 8 हो गया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपने इन्हें शिफ्ट भी करना है और अरेंज भी साथ कर देना। जैसे कि 8 पहले था और 7x बाद में था, जो ही वो लेफ्ट साइड पे आए तो 7x पहले आ गया और प्लस 8 से माइनस 8 बाद में आया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स के प्लस 7 के आप दो पार्ट्स आपने बनाने, एक्स आ जाएगा माइनस 8, सेंटर में क्या आएगा, माइनस। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 आ जाएगा। 8 के फैक्टर्स आपके पास होंगे 1 इंटू 8, 2 मल्टीप्लाई 4। ऐसे फैक्टर लेने जिन्हें माइनस करने से 7 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 8 पहले आएगा 1 बाद में आएगा। स्टार्ट से प्लस मल्टीप्लाई होगा, लास्ट से एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 8x प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, चार वैल्यू से तो दो दो का ग्रुप बना लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x प्लस 8 रह गया माइनस। इन दोनों में से स्टूडेंट्स 1 कॉमन आएगा, x प्लस 8 आ जाएगा। मैंने नंबर ऑफ टाइम बताया कि आप कॉमन लें और x प्लस ई जो लिखा है उसी को रिपीट कर देंगे, x प्लस 8 लिखा था इसी को रिपीट कर देंगे, x प्लस 8 कॉमन आता है। बाकी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल 0। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लेना, x माइनस 1 इक्वल 0। ये प्लस 8 है इसको शिफ्ट करेंगे ये माइनस 8 हो जाएगा, ये माइनस 1 है इसको शिफ्ट कर देंगे ये प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, माइनस 8 और 1। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा स्टूडेंट्स, फाइव एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इनका अरेंज होना ज़रूरी है। अरेंज कैसे होना चाहिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स हो, फिर विदाउट एक्स हो। तो आप देख रहे हैं ये सिंगल एक्स है, ये लेफ्ट साइड पे इसको आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है उस तरफ आकर माइनस हो जाएगा।
तो प्लस 5x था यहाँ आकर माइनस 5x हो गया x के माइनस 5x प्लस 6। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स के लिखेंगे, 5 को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसकी खाली जगह छोड़ दें, x आ जाएगा प्लस 6। आपको मैंने बताया था जो यहाँ साइन होगा वो इसके सेंटर में आएगा। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के फैक्टर होंगे 1 × 6, 2 × 3। फैक्टर्स को आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, प्लस करना है, और आंसर क्या आना चाहिए, 5। अब देख रहे हैं ये दो फैक्टर्स हैं जिन्हें प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 5। स्टार्ट में आप 3 लिखेंगे, लास्ट पे आप 2 लिखेंगे, स्टार्ट से माइनस और लास्ट से x मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3x माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 को x से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 6। उसके बाद आप देख रहे हैं इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो बाकी क्या रहेगा, x माइनस 3। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आ गया और बाकी क्या रह जाएगा, x माइनस 3। क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस 3। x माइनस 3 को आप कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल 0। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इनको 0 के इक्वल पुट करना है, x माइनस 3 इक्वल 0, x माइनस 2 इक्वल 0। अब देख रहे हैं 3 माइनस इधर आकर प्लस हो गया, x का आंसर 3 आ गया। अब देख रहे हैं 2 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, x 2 आंसर 2 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 3 2। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं, 3x² - 10x + 8 = 0। इसको आपने स्टूडेंट्स फैक्टराइज करना है। कैसे इसको हम फैक्टराइज करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है 3x² सबसे पहले आएगा, 10 को दो पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, x वैसे का वैसे ही आ जाएगा प्लस 8। और आप समझ चुके हैं कि ये प्लस इस सेंटर में आएगा। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, 24 आएगा। 24 के फैक्टर्स देखिएगा, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6। फैक्टर्स को आपने करना है प्लस और आंसर आना चाहिए 10। ये आप देख रहे हैं दो और लास्ट वाले फैक्टर्स हैं 4 और 6, जिन्हें प्लस करने से 10 आता है। तो स्टूडेंट्स बड़ी वैल्यू को आप पहले लिखेंगे, छोटी वैल्यू को बाद में लिखेंगे। 3x² स्टार्ट से माइनस मल्टीप्लाई होगा, लास्ट से x मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6x माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 को x से मल्टीप्लाई करें, 4x प्लस 8 इक्वल 0। उसके बाद आप देख रहे हैं फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ सकता है 3x। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 3। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 है, ये 6 है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, इन शॉर्ट 3 कॉमन आएगा। इसमें x स्क्वायर है, इसमें सिंगल x है, तो x कॉमन आएगा। 3x कॉमन लिया तो आपके पास रहेगा x, और 3 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 टाइम्स। देखिए स्टार्टिंग वैल्यू माइनस है, ये 4 और ये 8, इन दोनों में से भी 4 कॉमन आएगा। और मैंने आपसे कहा था बगैर सोचे समझे आप x माइनस 2 को ही रिपीट कर दें, इक्वल 0। अब आप क्या करें, दोनों वैल्यूज को जीरो के दोनों वैल्यूज में से कॉमन लें, फर्स्ट टर्म में से और सेकेंड टर्म में से कॉमन लें, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, 3x - 4 = 0। जैसे कि आप देख रहे हैं x माइनस 2 और 3x - 4 दोनों को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे और x का आंसर फाइंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, x माइनस 2 इक्वल 0, 3x - 4 = 0। ये माइनस 2 इधर आकर प्लस 2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये माइनस 4 है, राइट साइड पे आके प्लस 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, x का आंसर आ गया 2 और x का आंसर आ गया 4/3। इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो आ गया 2 4/3। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि स्टूडेंट्स आप बुक पे देख रहे हैं, 2x² + 15x + 8 = 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मेथड क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को आपने खुद परफॉर्म करना है।
आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। x ओवर 4, x प्लस 1 इक्वल 3। अब क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है। या आप ये कर सकते हैं 4 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, 4 डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 4 डिवाइड है इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। उसके बाद x x से मल्टीप्लाई होगा और x 1 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं x के x इंटू x x के x इंटू 1 वन एक्स और 3 4 का क्या हो जाएगा, 12। इस 12 को आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिएगा x स्क्वायर उसके बाद x आगे ब्रैकेट x माइनस 12 इक्वल 0, उस सेंटर में माइनस आएगा। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के फैक्टर 1 इंटू 12, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4। फैक्टर्स को आपने क्या करना है, माइनस करना है, 1 आंसर आना चाहिए। 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आंसर आएगा, 4 पहले आ गया 3 बाद में आ गया। एक्स के स्टार से प्लस लास्ट से x मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 3x माइनस 12 इक्वल 0। इसके बाद स्टूडेंट्स आप कॉमन लेंगे इनमें से, जैसे कि आप देख रहे हैं इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x प्लस 4 आ गया, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आएगा और बाकी क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल 0। x प्लस 4 कॉमन आ गया, बाकी x माइनस 3 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि x का आंसर फाइंड किया जा सके। आप देख रहे हैं ये प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो गया, ये माइनस 3 था यहाँ पे आके प्लस 3 हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया माइनस 4 3, सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, माइनस 4 3। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का मेथड भी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5-6 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी स्टूडेंट्स आपने खुद परफॉर्म करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2x इज इक्वल 2 ओवर x प्लस 3। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था, जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी आप उसको फैक्टराइज नहीं कर सकेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, तो आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिज़ाइन करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो आइए इसको बनाते हैं, 2x। अब देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर x है और इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1। 1 और x का एलसीएम लें, x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, 1 2 से मल्टीप्लाई और x 3 से मल्टीप्लाई, 1 2 से और x 3 से। आप देख रहे हैं x डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई विद x, 2 प्लस 3x। आप देख रहे हैं x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा। और आप देख रहे हैं ये 3x प्लस है और 2x प्लस है, इन्हें शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब इसको आपने फैक्टराइज करना है। अब सबसे पहले लिखेंगे 2x के बाद में माइनस 3 को दो पार्ट्स, 3 के दो पार्ट्स करने उनका नहीं पता, x लास्ट पर आ जाएगा, माइनस 2 इक्वल 0, ये माइनस सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे फैक्टर लेने जिन्हें माइनस करें तो 3 आए, तो आपने देखा 1 और 4 ही फैक्टर बनेंगे। 4 माइनस 1, स्टार्ट से माइनस मल्टीप्लाई होगा, लास्ट से x मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू x, x माइनस 2 इक्वल 0। इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा x माइनस 2। स्टूडेंट्स इनमें से प्लस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। देखिएगा इसमें से 2 है और ये 4 है तो 2 आएगा कॉमन, x स्क्वायर और x है इनमें से x कॉमन आ जाएगा, इस तरह 2x कॉमन आ गया, x माइनस 2 रहेगा, इनमें से 1 कॉमन आएगा
और x माइनस टू रह जाएगा, x माइनस टू कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, 2x प्लस वन इक्वल जीरो। स्टूडेंट्स आपने देखा 2x प्लस वन और x माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस टू इक्वल जीरो, इसी तरह 2x प्लस वन इक्वल जीरो। आप देख रहे हैं माइनस टू है, यहाँ आके प्लस टू हो जाएगा, और आप देख रहे हैं प्लस वन है, यहाँ आके माइनस वन बनेगा, टू मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 2 माइनस 1 ओवर 2। सॉल्यूशन सेट आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, 2 माइनस 1 ओवर 2। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 का मेथड सुन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और बाकी क्वेश्चन जैसा है, जस्ट सिंपली आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। टू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस टू, ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी फैक्टराइज क्वेश्चन है, इसको आपने दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा फैक्टर बनाएंगे, यही आंसर आएगा। अब आपने इसका क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है, 2x + 3 = 0, एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, ये 3 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। आपने देखा 2 माइनस इधर आकर प्लस हो गया, इस तरह इसका आंसर 2 आ गया। दोबारा देखिएगा, दोनों को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, दोबारा फैक्टराइज करेंगे, यही आंसर आएगा। इसलिए आपने इन दोनों पेयर्स को, दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करना है और एक्स का आंसर फाइंड कर देना है। 3 प्लस था इधर आकर माइनस हो गया, 2 मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, 2 माइनस से इधर आकर प्लस हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट आ गया -3/2 और 2। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2x + 1 × 5x - 4 = 0। तो आपने स्टूडेंट्स दोनों वैल्यू को इक्वल जीरो पुट कर देना है। अब देख रहे हैं ये प्लस वन है, इधर आके माइनस वन हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसका तरीकाकार भी स्टूडेंट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 जैसा, जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर फैक्टराइज करेंगे आंसर फिर यही आएगा, यानी फैक्टराइज फॉर्म यही आएगी। तो बेहतर है कि आप इसको इक्वल जीरो पुट करें और एक्स का आंसर फाइंड कर दें, जो हमारा मेन काम है। अब देख रहे हैं माइनस फोर है, इसको शिफ्ट कर देंगे, प्लस फोर हो गया, ये 5 मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आपने देखा हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1/2 और 4/5। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 4x - 1 - 2 2x - 1 × 5x + 1। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिया, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, वजह आप सब जानते हैं कि जब तक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी ये फैक्टराइज नहीं हो सकेगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और लास्ट पर आप इसको फैक्टराइज करेंगे। 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, यू नो दैट 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा, x x से मल्टीप्लाई होकर एक्स के। 4x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x आ जाएगा और ये -2 हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं 2x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये आ जाएगा 10x2। उसके बाद स्टूडेंट्स 2x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x हो जाएगा। माइनस 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5x आ जाएगा। और माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 12x² माइनस 4x माइनस 2, 10x² 2 माइनस 5, तो ये माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 1। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे 12x² है, यहाँ पे 10x² है। इन सबको आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, माइनस 10x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब देखा 10 प्लस था माइनस हो गया, माइनस 3 था प्लस हो गया, माइनस 1 था प्लस 1 हो गया। 12x² में से 10x² माइनस कर देंगे, 2x² आ जाएगा। माइनस 4x प्लस 3x माइनस 1x माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 इक्वल 0। अब ये स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसका मतलब अब ये फैक्टराइज हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइज करते हैं ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार्ट में लिखा जाएगा 2x², उसके बाद माइनस 1 के आपने दो पार्ट करने हैं, माइनस 1 इक्वल 0। सेंटर में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 2 आंसर आएगा और 2 के फैक्टर भी 1 मल्टीप्लाई 2 ही बनेंगे, तो 2 1 इसके फैक्टर बनेंगे। स्टार्ट से आप देख रहे हैं 2x² आया, स्टार्ट से माइनस और लास्ट से x मल्टीप्लाई होगा। आप देख रहे हैं माइनस 2x आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1x माइनस 1 इक्वल 0। इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, x माइनस 1। उसके बाद प्लस इन दोनों में से स्टूडेंट्स 1 कॉमन आएगा, x माइनस 1 रह गया। x माइनस 1 को आप कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल 0। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी x माइनस 1 इक्वल 0, 2x प्लस 1 इक्वल 0। ये माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये प्लस 1 है, इसको शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस 1 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई था उधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो। इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा हमने इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, उसके बाद आपने इसको फैक्टराइज किया और आंसर हमारे पास यानी इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1 ओवर 2। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इसका मेथड चेंज हो गया है। आप बुक पे देख रहे हैं लिखा है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने क्वेश्चंस को किस मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, यानी कंप्लीट स्क्वायर के मेथड से आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड बहुत ही आसान होगा, मैं आपको बताता हूँ। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे आप देख रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्केयर। इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये इक्वल होगा स्केयर ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसमें स्टूडेंट्स ए होगा और सेकंड टर्म इसमें बी होगा। स्केयर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्केयर ऑफ सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ये है स्टूडेंट्स कंप्लीट स्केयर। इसमें तीन चीज़ें होंगी, तीन चीज़ें कौन कौन सी, फर्स्ट स्केयर, फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकेंड टर्म का स्केयर, 2 into first term into second term। याद रखिएगा स्टूडेंट्स इनमें से जो वैल्यू कम होगी उसको आप खुद से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। दूसरा स्केयर भी आप देख लीजिएगा, जैसे आपने a प्लस बी होल स्केयर को एक्सपेंड किया तो a माइनस बी को भी आप ज़रा देख लीजिएगा। ऐसे आएगा स्केयर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्केयर ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा सेकेंड स्केयर बनेगा। तो क्वेश्चन 14 को देखिएगा, मैं आपके सामने इसको परफॉर्म करता हूँ और टेक्निक के साथ इंशाल्लाह ताला हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, x² माइनस 10x
माइनस थ्री इक्वल ज़ीरो। स्केयर के अंदर कंप्लीटिंग स्केयर में स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि विदाउट एक्स जो है उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। विदाउट एक्स जो है जैसे कि आप देख रहे हैं विदाउट एक्स क्या है इसके अंदर माइनस थ्री, इसको आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो आइए सबसे पहला काम यही करते हैं, एक्स के माइनस टेन एक्स, ये माइनस थ्री है यहाँ आकर प्लस थ्री हो जाएगा। अब जो बाकी वैल्यूज हैं उन्हें स्टूडेंट्स हम कंप्लीट स्केयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देख रहे हैं ये लिखा है एक्स स्केयर, इसको लिख लेंगे स्केयर ऑफ एक्स। अब ये लिखा है माइनस टेन एक्स, तो क्या माइनस टेन एक्स कोई कंप्लीट स्केयर बनता है? जी बिल्कुल कंप्लीट स्केयर नहीं बनता। इसका मतलब इस माइनस टेन एक्स को आप तीन स्टेप्स में ब्रेक करेंगे। ये तीन स्टेप्स कौन कौन से होंगे? टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फर्स्ट टर्म यानी वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्केयर, सेकेंड टर्म यानी वैल्यू ऑफ सेकेंड स्केयर। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। माइनस लिखा, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इसमें माइनस लिखा है। टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फर्स्ट टर्म फर्स्ट स्केयर की वैल्यू आपके पास x है, उसके बाद सेकंड टर्म यानी सेकंड स्केयर की वैल्यू होनी चाहिए। तो सेकंड स्केयर आपके पास है ही नहीं, सेकंड स्केयर ही नहीं आपके पास, इसका मतलब सेकंड स्केयर की वैल्यू हमें खुद डिसाइड करनी होगी। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्केयर को आप लेफ्ट साइड पे भी प्लस कर देंगे, बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे भी प्लस कर देंगे। दोबारा मेरी बात सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने बताया हमारे पास सेकेंड स्केयर की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब सेकेंड स्केयर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था जो वैल्यू आपके पास नहीं होगी आप उसको प्लस भी करेंगे और बैलेंस करने के लिए माइनस भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करें, दोनों साइडों पे प्लस करें, लेफ्ट साइड पे प्लस करें और राइट साइड पे भी प्लस करें। अगर आपको प्लस और माइनस करना है फिर आपको एक ही साइड पे करना होगा, वो आप लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं और राइट साइड पे भी कर सकते हैं। तो हम दोनों साइडों को एक्टिव रख रहे हैं, यानी दोनों साइडों में आप ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर रहे हैं राइट साइड पे भी ऐड कर रहे हैं। याद रखिएगा आपने अगर दोनों साइडों को एक्टिव रखना है तो सेम फंक्शन परफॉर्म करना होगा। अगर आप प्लस करेंगे तो दोनों साइडों पे प्लस होगा, माइनस करेंगे तो दोनों साइडों पे माइनस होगा। तो मैंने आपको बताया सेकंड स्केयर की वैल्यू आपको डिसाइड करनी है, आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 10x आना चाहिए, जबकि आपके पास पहले आपके पास क्या वैल्यू है 2x। अब आप खुद ही मुझे बताइए 2x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 10x आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जो वैल्यू आप डिसाइड करेंगे यहाँ वो आपकी सेकंड स्केयर की वैल्यू होगी, यानी यहाँ भी आप 5 लिख देंगे, यहाँ भी आप 5 लिख देंगे। एक दफ़ा दोबारा देखें ताकि मेरी बात की समझ आ जाए। सबसे पहले एक्स स्केयर आएगा माइनस टू इंटू फर्स्ट, सेकेंड स्केयर आपके पास नहीं था उसको आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे भी ऐड किया। मैंने बताया इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 10 आना चाहिए, जबकि आपके पास क्या आ रहा था 2x, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा यकीनन 5 से। तो सेकंड स्केयर की वैल्यू आपके पास 5 होगी, तो सेकंड स्केयर की जगह आपने 5 लिख दिया। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसको कंप्लीट स्केयर बनाएंगे, फर्स्ट टर्म लिखी जाएगी x, लास्ट टर्म आएगी 5 और सेंटर वाली वैल्यू का साइन आएगा, होल स्केयर बन जाएगा। अब देखिएगा इसको कंप्लीट स्केयर बना देंगे, ये 5 और x को आप लिखेंगे और सेंटर वाली वैल्यू का साइन आ जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 5 इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, जो ही आप स्केयर को एक्सपेंड करेंगे वो सामने आ जाएगा, 3 और 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, 5 का स्केयर क्या हो जाएगा 25। उसके बाद x माइनस 5 का होल स्केयर, 3 प्लस 25 28 बन जाएगा। अब इस स्केयर को सॉल्व करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब इसका स्केयर रूट लेंगे, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ट्वेंटी एट है स्टूडेंट्स, आप इसको फैक्टराइज कर लें, 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा, इसको आप लिखेंगे 2 square multiply 7। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 square multiply 7। 28 को आपने फैक्टराइज किया और लिखा 2 square multiply 7। यू नो दैट स्केयर स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 square root 7 आ गया। ये माइनस है इसको शिफ्ट कर देंगे इधर आकर, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा माइनस था यहाँ आके प्लस हो गया, प्लस माइनस 2 square root 7, प्लस माइनस 2 square root 7। आपको पता है 2 के अंदर ये 5 के अंदर ये 2 square root 7 सॉल्व नहीं हो सकता,
तो यही बस इसका सोल्यूशन आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5 ± 2√7। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जैसे कि आप देख रहे हैं x²-6x-3=0। इसके बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है, जो विदाउट x है उसको आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे। स्टूडेंट्स विदाउट x को आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे। आइए इसे शिफ्ट करते हैं। अब देख रहे हैं विदाउट x -3 इसको शिफ्ट कर देंगे, ये +3 हो जाएगा। -3 से क्या हो गया +3। अब इसको आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, x स्क्वायर को लिखेंगे स्क्वायर ऑफ x, 6x को लिखेंगे 2 × 1st term, सेकेंड टर्म है वैल्यू ऑफ सेकेंड स्क्वायर, वो आपके पास नहीं है, वैल्यू ऑफ सेकेंड स्क्वायर आप लेफ्ट साइड पे भी प्लस करेंगे और बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे भी प्लस करेंगे। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2x हमारे पास आ चुका है, यहाँ आपको एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको आप मल्टीप्लाई करें 2x से तो आंसर 3 है। अब आप खुद बताएं 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 3 टाइम्स, तो आप यहाँ पे 3 लगा दें। इसके अंदर भी जो वैल्यू आप यहाँ डिसाइड करेंगे वो इसके अंदर भी आएगी और इसके अंदर भी आएगी। इसको आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बंद करेंगे तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू लिखी जाएगी, लास्ट वैल्यू लिखी जाएगी, सेंटर वाली वैल्यू का साइन आएगा और होल स्क्वायर बन जाएगा। आप देख रहे हैं 3 और 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर क्या बन गया, 9। अब आप 9 में 3 ऐड कर देंगे, तो आप देख रहे हैं 9 में 3 प्लस करने से 12 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 3 12, इसको आप फैक्टराइज करें स्टूडेंट्स, 2 6 12, 2 3 और 3 1, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो आपने देखा स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये माइनस है, इसको शिफ्ट कर देंगे बिकॉज आपने x का आंसर फाइंड करना है, इसको 3 को शिफ्ट करना ही करना होगा, 3 माइनस है उधर आकर प्लस हो जाएगा। आप 3 को लास्ट में भी लिख सकते हैं, स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, 3 माइनस है यहाँ आके प्लस हो गया, प्लस माइनस 2√3। अब आपको पता है 3 के अंदर 2√3 सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 ± 2√3। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। x²+x-1=0। अब जिसे मैंने पहले बताया विदाउट x को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना, x²+x, ये माइनस वन है यहाँ आके प्लस वन हो जाएगा। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाए, इसको लिखेंगे स्क्वायर ऑफ x, 2 × 1st term, आगे सेकेंड टर्म का नहीं पता, उसका स्क्वायर आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे, बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। देखिए आपको ऐसा नंबर लेना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 1x है, जबकि आपके पास क्या आ रहा है 2x, इसका मतलब 2x नहीं चाहिए आपको, 1x चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 से। देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1x आंसर आ जाएगा, तो वैल्यू डिसाइड होगी 1/2 एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इनको देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1/4 क्या देगा 1/4, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें 1 और 4 का, 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 + 1 हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हम इसको ऐड कर देंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये 5/4 क्या बन गया, ये 5/4। अब आप क्या करें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर
स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वन ओवर टू, फाइव का स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व हो सकता तो ऐसे कैसे आ जाएगा, फोर का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर टू आ जाएगा, फोर का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वन ओवर टू प्लस है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, माइनस वन ओवर टू हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इनका एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम लेने टू ही आ जाएगा, इनका एलसीएम पॉसिबल है तो आप एलसीएम लेने टू आ गया, माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट फाइव। तो आपने देखा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट फाइव ओवर टू। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।